Right. Good morning, Bachche. So, moving further to the problems faced by small scale sector. Uh, let's come to the fourth problem, which is of labor. Uh, this already, I guess, we had discussed. Ke jo small business firms have higher salaries than employees ko afford. Nahi karti hai. So, that's the reason they cannot hire specialized persons. You just pay attention to what I'm saying, he can sit straight.

तो जब आप अपने स्टाफ को अच्छी सैलरी अच्छे इंसेंटिव नहीं दे पाते हैं तो एक तो वो हार्डवर्क नहीं करते हैं जी जान से काम नहीं करेंगे आपकी फॉर्म के लिए विलिंगनेस जो है उनकी काम करने की वो कम होती जाएगी सेकेंडली इंप्लॉयी टर्न रेट जो है वो भी ज्यादा होगा यानी इंप्लॉयिज आपका फॉर्म जो है वो छोड़ के चले जाएंगे तो उससे यू नो इट इज जनरली सेड के जो इंप्लॉइज होते हैं जो स्टाफ है फॉर्म का दे आर दोन डेली एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गेटिंग माई पॉइंट एसेट्स किसको बोलते हैं जो आपके लिए रिटर्न लाते हैं इनकम अर्न करते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी अब प्लांट एंड मशीनरी आपका एक ऐसा एसेट है जो आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें वो हमेशा आपके पास रहेगा ठीक है तो जो वर्कर्स है वो आपके ऐसे एसेट्स हैं जो डेली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं है है ना अब ये फर्म की responsibility बनती कि वो उसको वापस बुलाए सो हाउ वुड दे कम बैक मैं अगर आज अपना ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी के बाद छोड़ के जा रही हूं उसके बाद मैं हाउ डज माई एम्प्लॉयर इंश्योर दैट आई कम बैक टूमोरो

ना वो हायर सैलरी दे सकता है ना उसकी फर्म में इतनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉय की तो इसीलिए उसका जो इम्प्लॉय टर्न रेट है दैट इज वेरी वेरी हाई ठीक है तो जितनी बारी बेटे वर्कर छोड़ के जाएगा आपको ना सारा वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टाफिंग का प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा आपको अपने वर्कर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे आपको इनकी इंटरव्यू लेनी पड़ेगी सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर उनको ट्रेन करना पड़ेगा फ्टर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ यू नो बॉदेशन छ महीने बाद छोड़ के चला गया फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट करते रह जाओ एंड इज यूज वाई आर यूबल टू रिटेन हिम बिकॉज यू कैनॉट अफोर्ड टू पे हिम हाई सैलरी ठीक है सो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्मॉल बिजनेस को लेबर की देन बेटे मार्केटिंग अगेन मार्केटिंग इज वन ऑफ दोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बिकॉज इट जेनरेट्स रेवेन्यू अब जनरली मार्केटिंग का मतलब आप कहते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऐसा नहीं है मार्केटिंग इज अडर टर्म इट डनली इन्वॉल्व गुड्स को खरीदा और बेच दिया मार्केटिंग इन टूडेज टर्म वर्ल्ड इन मॉडर्न सेंस इट इज अ ब्रॉडर टर्म विच स्टार्ट इवन बिफोर दी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाता है प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना मार्केटिंग में आता है प्रोडक्ट की ब्रेंडिंग करना पैकेजिंग करना है ना ये सब मार्केटिंग में आता है उसकी प्रोसेसिंग करना उसको ट्रांसपोर्ट करना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना फिर फाइनली कंज्यूमर को बेच देना वहां पर भी खत्म नहीं होता मार्केटिंग आफ्टर सेल सर्विसेस प्रोवाइड करना पार्ट ऑफ मार्केटिंग सो इफेक्टिव मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे फॉर्म का रेवेन्यू जेनरेट होता है वट इज रेवेन्यू इनकम ठीक है सो उसके लिए बेटे इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स हिज रिक्वायरमेंट्स आज के कंज्यूमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी अगर आ, अब देखो लॉकडाउन लगा टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की ठीक है तो अब आप अगर मार्केटिंग इफेक्टिव करते हो तो आपने ये देखा सैमसंग ब्रांड ने ये देखा कि टीचर्स को लैपटॉप जो है उससे थोड़ा उस, हैंडी नहीं लगता पढ़ाना मोबाइल इज टू स्मॉल ए गैजेट और उससे चेकिंग करके उनकी आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है

आपने कंज्यूमर की नीड्स को समझा जरूरत को समझा और वैसा ही प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए डिजाइन कर दिया यस yes? लेकिन इन सबके लिए आपको क्या चाहिए सर्वे कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझो सर्वे करोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रोवाइड द कंज्यूमर गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस कैन स्मॉल स्केल

कितनी सीरीज अब थर्टीन आईफोन थर्टीन आ गया सो so, नया मॉडल की आप वेट करते हो क्योंकि आपको पता है कि आईफोन कुछ ना कुछ नया लेके आएगा इस बारी नए मॉडल में है ना होता है who is doing all this? R &D कोई एक, सिंग, एक सिंगल पर्सन नहीं आईफोन का कर रहा उनका पूरा एक डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ठीक है तो वो सब ये कुछ कर रहा है न सी हाउ मच मनी आई एप्पल इज स्पेंडिंग ऑन दिस विंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती ठीक है तो जिस करके जो मार्केटिंग है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का एक वीक एरिया रह जाता है और इनको अपनी गुड्स को बेचने के लिए डिपेंड करना पड़ता है मिडिल मैन के ऊपर ठीक है सो मिडिल मैन जो है इनको एक्सप्लॉयड भी कर लेते हैं Isn't it? अब आईफोन देखो पूरी एक में एक पूरा पेज अपनी दे देता है। उसके लिए ऑफ एक पेज की के लिए आपको इतना कॉलम देना होता है ना तो आपके दस हजार रूपए लग जाते हैं तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन के एक पेज के ऊपर वो एड दे रहा है और इतने दिन दे रहा है तो उसके कितने पैसे मार्केटिंग पे लगते होंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज ये अफोर्ड नहीं कर सकती आप अगर एक आईफोन डेढ़ लाख का खरीदते हो ना तो पचास हजार उसमें मार्केटिंग कॉस्ट है यू आर बेयरिंग इट बट कंज्यूमर कैन बीयर क्योंकि वो ब्रांड के लिए पे कर रहा है अब आईफोन ने अपना नाम बना लिया है लेकिन आप कोई छोटे मोटे ब्रांड के लिए इतना पे करोगे नहीं पे करो आप बोलो ओप्पो का फोन डेढ़ लाख का ले लोगे नहीं लोगे लो फीचर्स वो ज्यादा देगा आप नहीं लोगे ठीक है So, तो आपको क्वालिटी ऐसी करनी पड़ेगी नाम बनाना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से आपको मार्केटिंग uh, करनी पड़ेगी उसकी लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज इफेक्टिव मार्केटिंग नहीं कर पाती हैं सो दिस इज वन प्रॉब्लम विच आर फेसिंग ठीक है so facing, उनके पास इतना नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स की मार्केटिंग के लिए नहीं होता देन एन प्रॉब्लम इज क्वालिटी

मास प्रोडक्शन करती है जब गुड्स मास पे प्रोड्यूस होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है एक स्मॉल इंडस्ट्री है उसके पास एक प्लांट है जिसको वो यूनिट्स एक आवर चलाता है तो हंड्रेड यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है दूसरी तरफ ये बी फॉर्म है ये लार्ज स्केल है ठीक है ये जब वन आवर अपनी इसका प्लांट इस तरह से है रिसेस? हम्म? फूड ब्रेक? फूड ब्रेक पे? फूड ब्रेक जो नेक्स्ट अच्छा सेकंड के बाद ना जब ये अपना प्लांट इसका प्लांट टेक्निकली एडवांस्ड है ठीक है ये करोड़ों का आया ये लाखों का आया प्लांट तो थाउजेंड रुपीस थाउजेंड यूनिट्स बनते हैं वान आवर चलाने के ठीक है कॉस्ट दोनों की एक घंटा चलाने की आई हंड्रेड रुपीज इसको एक घंटा चलाया सौ रुपये लगी इसको भी एक घंटा चलाया सौ रुपया कॉस्ट हुई यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई रुपी वन और यहाँ पर टेन जीरो पॉइंट वन दस पैसे यहां पे एक रुपए की चीज बनी यहाँ पे दस पैसे की बनी ठीक है अब ये अगर सौ परसेंट मार्जिन भी ऐड कर लेता है तो ये कितने की बेच सकता है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दस पैसे की प्राइस हंड्रेड परसेंट मार्जिन इसने ऐड कर लिया कितने की बेच सकता है बीस पैसे की ये अगर फिफ्टी परसेंट भी मार्जिन ऐड करता है तो कितने की बिकेगी डेढ़ की आप मार्केट में जाओगे कौन सी खरीदोगे ये वाली खरीदोगे बीस पैसे वाली खरीदोगे ना ये थोड़ी ना खरीदोगे आप भी तो अब ये तो फेल हो गया फिर इसकी तो कोई भी नहीं खरीदेगा बट इसको तो मार्केट में सरवाइव करना है अब वो क्या करेगा वो प्लांट लगा नहीं सकता ये वाला फाइनेंस की कमी है है ना तो कंपटीशन में रहने के लिए उसको कॉस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से तो कट डाउन करनी पड़ेगी कैसे कट डाउन करेगा रॉ मटेरियल, वो अपना रॉ मटेरियल की क्वालिटी को लो क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज जी, लेबर को भी अगर वो कम कर देता है तो लेबर भी क्या करेगी जिसको आप कम पैसे दोगे तो वो भी तो क्वालिटी वर्क नहीं देगी लेटर से लेबर आपकी फुटबॉल सिलरी है आप उसको बोलोगे कि मैं तुम्हें पहले सौ रुपए देता था एक घंटे की अब मैंने पचास देने हैं तो आप क्या करोगे क्या करेंगे क्या है नंबर ऑफ बेटे एक ही बात है नंबर ऑफ वर्कर्स कम करोगे तो आवर्स ज्यादा लगेंगे प्रोडक्शन तो कम होगी ना फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगी जैसे भी आप कॉस्ट कट डाउन करने की कोशिश करोगे आपकी क्वालिटी सफर करेगी ठीक है सो दिस इज अनादर प्रॉब्लम विथ स्मॉल स्केल सेक्टर हैज टू फेस ओके नेक्स्ट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब मार्केटिंग स्किल्स की भी कमी है स्मॉल सेक्टर में गुड्स की डिमांड की भी कमी है देर इज लैक ऑफ डिमांड ठीक है कोई स्मॉल स्केल सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके गुड्स की मारो मार पड़ी हुई है डिमांड बहुत ज्यादा है ब्लैक में बिक रही है या वेटिंग चल रही है ऐसा नहीं है ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स आर देयर तो अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट कोई नहीं मिलता है तो आप दूसरा ब्रांड खरीद लेते हो मतलब यह है कि उसकी गुड्स की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है सो so, उसने जब गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो माइंड में डिमांड रख के करने लेटस से प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी है हंड्रेड गुड्स की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज बी क्वाइट फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करके ये प्लांट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन 50 यूनिट्स की डिमांड है क्या करोगे 50 प्रोड्यूस करोगे है ना चलना इसने एक आवर ही है रॉ मटेरियल कम डाला कम गुड्स निकलेंगे ज्यादा डाला ज्यादा निकलेंगे अब आपके गुड्स की डिमांड कितनी है 50 तो आपने 50 के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल डाला एक घंटा चलाया कॉस्ट कितनी आई हंड्रेड रुपीज है ना अगर आप सौ गुड्स प्रोड्यूस करते तब भी कितनी आती हंड्रेड रुपीज पर आप क्यों फिफ्टी प्रोड्यूस कर रहे हो डिमांड की दिमांड कमी है सो विच मींस दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर फुल कैपेसिटी वो अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर रन नहीं हो रही है क्यों नहीं रन हो रही है क्योंकि एक उनकी मार्केटिंग स्किल्स पुअर है लोग उनके गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं लोगों तक नहीं उनकी डिमांड पहुंच रही दे आर नॉट बींग मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस गुड्स सो एंड लैक ऑफ डिमांड इज देयर सो दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट अप टू देयर फुल कैपेसिटी जब ऐसा होता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई देखो जब हंड्रेड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी वन अगर फिफ्टी यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी टू रुपीज ठीक है रुपीज को डिवाइड करना ना कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट टू रुपीज सो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है दैट विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी and uneconomical production. right? Next technology. So these are making use of outdated technology. bete ये small business ऐसे हैं जिन्होंने अगर एक plant लगा लिया सपोज करो करोड़ रुपए का भी लगा लिया अब एक साल बाद आउटडेट हो गया वो आपको पता है टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है कितने चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं तो एक करोड़ उन्होंने पहले प्लांट पे लगाया एक दो साल बाद वो आउटडेट हो गया तो क्या वो दो साल बाद रिप्लेस कर सकते हैं उसको अभी तो उनका पिछला लोन ही दस पंद्रह बीस सालों तक उतरना है तो किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं वेर एस लार्ज सेक्टर में क्या होता है जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर होता है लार्ज में कंपनीज होती हैं ठीक है ठीके? तो आपने एक प्लांट लगाया एक करोड़ रुपए का आउटडेट हो गया आप क्या करोगे शेयर्स से और फंड रेज कर लोगे है ना लोगों के पैसों से आना है एक तरह से कैपिटल कहां से आ रही है पब्लिक से आ रही है तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सकते हो लेकिन स्मॉल बिजनेस अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर सकता जिस करके प्रोडक्टिविटी लो रहती है और अन प्रोडक्शन रहती है ओके नेक्स्ट इज सिकनेस सो सिक एंड सिकनेस की प्रॉब्लम स्मॉल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है सिक इंडस्ट्री किसको बोलते हैं जो काफी पिछले सालों से लॉसेज में जा रही और सो दे हैव बीन रनिंग सो दैट्स बिगेस्ट कंसर्न फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर टूडे सो कुड बी इंटरनल प्रॉब्लम एज वेल एज एक्सटर्नल प्रॉब्लम इंटरनल प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है स्किल्ड लेबर हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी है वी लैक मैनेजीरियल स्किल्स वी लैक मार्केटिंग स्किल्स बेटे कोई भी चीज है ना आपको चाहिए भी नहीं है फिर भी आप एक अच्छे मार्केटिंग कैंपेन से उसको लोगों को बेच सकते हैं देर आर मेनी थिंग्स विच यू डू नॉट रिक्वायर बट स्टिल यू बाई इट बिकॉज ऑफ परसुएसिव मार्केटिंग ठीक है तो ये परसुएसिव मार्केटिंग जो है बार बार एड दिखाई जाना किसी एक चीज का है ना प्रमोट कर देना इस तरह से वेब सीरीज में उसको प्रमोट करना या किसी ब्रांड एम्बेसडर बड़े हीरो को लेके उसको प्रमोट करना सो यू टेंड टू बाय दो लेकिन ये स्मॉल स्केल सेक्टर नहीं कर सकता तो ये हो गए इंटरनल प्रॉब्लम कौन कौन सी लैक ऑफ स्किल्ड लेबर लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स ठीक है एंड मैनेजीरियल स्किल्स वेयर एज देर आर सम समर्नल प्रॉब्लम लाइक डिलेड पेमेंट अब स्मॉल स्केल का वो सर्कल घूमना बहुत ज्यादा जरूरी है वो रॉ मटेरियल उन्होंने लिया तीन महीने के क्रेडिट पे रॉ मटेरियल लेके उन्होंने क्या किया गुड्स बना दिए गुड्स तीन महीने में अगर बिक गए तो रॉ मटेरियल की पेमेंट करके नया तीन महीने फिर से रॉ मटेरियल ले, ले लेंगे तीन महीने का क्रेडिट ले लेंगे है ना अगर ये सर्कल ब्रेक हो गया तीन महीने का क्रेडिट लिया गुड्स बनाए गुड्स बिके नहीं तीन महीने में तो रॉ मटेरियल को पेमेंट करने के लिए क्या करोगे फिर से लोन लोगे उनको पेमेंट करोगे है ना मतलब वो आपका सर्कल टूट जाएगा डिलेड पेमेंट्स जो है दैट इज अ वेरी मेजर इश्यू इन स्मॉल स्केल सेक्टर उनको टाइमली पेमेंट्स नहीं मिलती हैं वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज रहती है इनएडिक्युएट लोन मिल पाता है उनको जिस करके इनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर यू